हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों, आरआरबी पीओ मेंस 2021 का जो रिज़ल्ट स्टेटस है वो आउट कर दिया गया है। जाइए और जाके अपना जो है स्टेटस चेक कर लीजिए कि आप सेलेक्टेड हैं या नॉट सेलेक्टेड हैं। और देखिए, यहाँ पर जो लिंक है वो एक्टिवेट जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, मैं अपना इसमें रिज़ल्ट आपको दिखाने वाला हूँ, क्या रहा मेरा रिज़ल्ट। और इसमें साथ ही हम जानेंगे कि इंटरव्यू डेट कब है और कब आपका जो है इंटरव्यू एक्सपेक्टेड है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया था। तो चलिए फ्रेंड, हम देख लेते हैं। सबसे तो पहले मैं आपको अपना जो है स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये मेरा आपका स्कोर कार्ड है जो आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, जैसा कि रिजल्ट स्टेटस ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम ऑफिसर स्केल 1 CRP RRB 10th राहुल जाटा ऑफिसर स्केल 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए नीचे लिख के आया है कि थैंक यू फॉर अपियरिंग फॉर द CRP RRB 10th ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 25/9/2021 को हेल्ड हुआ। पर यहाँ पर देखिए जो बोल्ड अक्षर में लिखा हुआ है, यू हैव नॉट बीन प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गया कि आपके जो मार्क्स आपने ऑब्टेंड किए थे स्कोर ऑब्टेंड बाय यू 7 डेज के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पर सब सब बोला गया है। तो चलिए, अब हम जो है जिस जिस कैंडिडेट का हुआ है उसको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, और जिसका नहीं हुआ है तो घबराइए नहीं। अभी आपका आरआरबी क्लर्क मेंस का होगा, एसबीआई क्लर्क मेंस भी आपका हुआ होगा, तो उसका रिजल्ट आना बाकी है। साथ ही आईबीपीएस क्लर्क की भी वैकेंसी आ चुकी है और एसबीआई पीओ की भी। तो चलिए हम देख लेते हैं अब कि आपका जो इंटरव्यू है वो कब हो सकता है। तो देखिए, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से मैंने निकाला है, आपको दिख रहा होगा कि आपका इसमें देखिए लिखा हुआ है कि रिजल्ट सॉरी प्रीलिम्स हुआ था वो अगस्त में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर इसका रिजल्ट आया था सितंबर में, और जो मेन एग्जाम हुआ था वो सितंबर अक्टूबर इसका निर्धारित था, जो कि आपका सितंबर में हो गया था। ठीक है, रिजल्ट डिक्लेयर इन्होंने देखिए अक्टूबर में तो बोला था, तो अक्टूबर में इन्होंने कर दिया है रिजल्ट। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर लिखा है कि डाउनलोड फॉर कॉल लेटर्स इंटरव्यू फॉर स्केल 1 स्केल 2 एंड स्केल 3। तो अक्टूबर नवंबर यहाँ पर टेंटेटिव दे रखा है, और साथ ही कंडक्ट इंटरव्यू डेट भी यहाँ पर इन्होंने देखिए ये दे रखा है अक्टूबर नवंबर, यानी कि आपको अक्टूबर के लास्ट वीक में आपका जो है इंटरव्यू हो सकता है, या फिर दीपावली से पहले हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दीपावली के सीधे 1 या 2 दिन बाद आपका इंटरव्यू डेफिनेटली होने वाला है। तो गाइस, बी प्रिपेयर, अपने इंटरव्यू के लिए तैयारी कर दीजिए, जान लगा दीजिए पूरी 10-15 दिन, बिल्कुल आप इंटरव्यू निकाल लेंगे। बहुत ईजी आता है, सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट आप थोड़ा बैंकिंग जो क्वेश्चन है उस पर फोकस करके जाइएगा कि बैंकिंग में कौन कौन सी टर्म्स होती हैं, क्या क्या मतलब बैंकिंग के कार्य करने में आपको यूज़ किए जाते हैं, वाली टर्म्स थोड़ी पढ़ के जाइए, थोड़ा करंट अफेयर पढ़ लीजिए, और अपना जो आप अपना जो बायोडाटा देंगे उसको थोड़ा प्रेजेंटेशन सही से करने का कोशिश कीजिएगा, आपका जो सिलेक्शन है वो फाइनली हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।